नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बिगनर्स स्पेशल डिज़ाइन लाई हूँ, बनाने में बहुत ही आसान और बेहद खूबसूरत। आप अगर सिर्फ सीधा उल्टा बुनना जानते हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में फंदे चाहिए, यानी जो दो से न कटते हों, ऐसे फंदे हमें चाहिए। और तो मैंने 13 फंदे डाल लिए हैं और 4 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो मैंने 13 फंदे डाले हैं और 4 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे। मैंने अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लिया है, तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उन हमारा दूसरी तरफ ही रहेगा। अगला फंदा हमने स्लिप किया, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा। एक फंदा हमें सीधा बुनना है और अगले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ऑड नंबर है तो पहला फंदा हमने सीधा बुना था, तो लास्ट फंदा भी सीधा ही आएगा। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, इसे हमने सामने की तरफ से सीधा बुना था, तो पीछे की तरफ से भी हम सीधा ही बुनेंगे। अब ऊन अपनी ओर करना है और इस फंदे को, जो स्लिप किया हुआ फंदा है, उसे वापस स्लिप कर लेना है। फिर ऊन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा, बुना हुआ फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, ऊन दूसरी ओर, बुना हुआ फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, बुना हुआ फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा दो लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस अपने सेकेंडरी कलर से ही बुनाई करेंगे। तो जिस फंदे को हमने बुना था उसे अब की हमें स्लिप करना है, और देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये फंदा हमने बुना था तो अब की इसे हमें स्लिप करना है, और ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हमें सीधा बुनना है। यानी इस लाइन में भी हमें एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा स्लिप करना है, लेकिन पिछले लाइन में जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे हमें बुनना है, और जिसे हमने बुना था उसे वापस स्लिप कर लेना है। और रॉन्ग साइड से भी, जिस फंदे को हमने स्लिप किया है उसे वापस स्लिप करना है, और जिस फंदे को हमने सीधा बुना है उसे वापस सीधा बुनना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा। तो ये हमारा 4 लाइन कंप्लीट हो गया। अब पांचवी लाइन में हम अपना प्राइमरी कलर लेंगे और पहली ही लाइन को दोहराएंगे, यानी पहला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। एक फंदा सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है। इस फंदे को देखिए हमने स्लिप किया था तो वापस इसे हम सीधा बुनेंगे, और देखिए इस फंदे को हमने सीधा बुना था तो इसे हमें स्लिप करना है। एक फंदे को सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है, एक फंदे को सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से, जिस फंदे को हमने सीधा बुना है वापस उसे हम सीधा ही बुनेंगे, और जिस फंदे को स्लिप किया है वापस उसे हम स्लिप कर लेंगे।
फंदा सीधा, सीधा बुना हुआ फंदा वापस सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा वापस स्लिप कर लेंगे। अब नेक्स्ट लाइन भी हमें अपने प्राइमरी कलर से ही बुनना है, यानी सातवां लाइन हमारा प्राइमरी कलर से बुना जाएगा। तो देखिए, इस फंदे को हमने बुन लिया है तो इसे हम स्लिप करेंगे, और ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम बुन लेंगे। बुना हुआ फंदा इसे स्लिप करेंगे, ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम बुनेंगे। तो दूसरे कलर का जो फंदा दिखाई दे रहा है उसे हमें बुनना है, और जो इसी कलर का फंदा है उसे हमें स्लिप करना है। रॉन्ग साइड से देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे स्लिप करना है, और ये बुना हुआ फंदा है तो वापस इसे सीधा बुनना है। अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुने। अब हमारा प्राइमरी कलर से भी चार लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनेंगे, और पहला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, यानी आठ नंबर में जितने फंदे हैं उसे हम सीधा बुन लेंगे, और इवन नंबर वाले फंदे उन्हें हम स्लिप कर लेंगे। अब बुने हुए फंदे सीधे और स्लिप किए हुए फंदे वापस स्लिप करेंगे। स्लिप करने से पहले हमें उनको अपनी तरफ कर लेना है। अब देखिए, अब हमने रेड कलर से बुना है तो इस लाइन में हमें सफेद कलर वाले फंदे बुनने हैं, यानी जो फंदा हमने स्लिप किया था उसे बुनना है, और जो बुना हुआ है उसे वापस स्लिप कर लेना है। एक कलर के ऊन से चार लाइन बुनने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। दो फंदों का और एक ही लाइन का डिजाइन है, आगे और पीछे से दोनों तरफ से एक ही जैसा बनाया जा रहा है। बुने हुए फंदे सीधा ही बुन रहे हैं, चाहे आगे से सामने की तरफ से बुने चाहे बैक साइड से बुने, देखिए दोनों तरफ से हम सिर्फ सीधा सीधा ही बुन रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बनके तैयार है। दो फंदों का और एक ही लाइन का डिजाइन है, सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, कितना खूबसूरत डिजाइन, बनाने में आसान और बनने के बाद बेहद खूबसूरत। इसे मोटी सिलाई से और मोटे ऊन से बनाएगा, डिजाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।